मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज देखो, मोमेंटम समझने से पहले तुम्हें मास समझना पड़ेगा, ठीक है। मास समझने के बाद जब तुम मोमेंटम समझ पाओगे, और मोमेंटम समझने के बाद तुम चेंज इन मोमेंटम समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंटम समझने से पहले मास समझ लेते, मास क्या होता है। कहते हैं ना मास इतना, मास इतना, ठीक है। तो बेटा देखो, मास जो है ना, मास जो है ना, देखो मास की बात करेंगे, मास की, ठीक है। मास क्या है, मास, ठीक है। चलो पहले मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, ठीक है, चलो बाद में लिखूँगा डेफिनेशन। देखो मान के चलो मेरे पास ये कोई बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5 पांच बॉल रखी हैं, ठीक है, पांच बॉल रखी हैं, ठीक है, इस बॉक्स में पांच बॉल्स रखी हैं, ठीक है। तो अब किसी ने पूछा कि भाई इसका मास बताना ज़रा, इस बॉक्स का क्या बता दो, इस बॉक्स का भाई मास बता दो मुझे, क्या बता दो, मास बता दो, इस बॉक्स का मास क्या होगा। तो बेटा देखो, इस बॉक्स का मास होगा 5 किलोग्राम। सर ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, किलो विलो में कुछ क्या कहते हैं इसका वजन वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है। ये जो किलो, ये जो किलोग्राम होता है ना, ये ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास की ऐसा यूनिट को कहते हैं। और ये मास ना हर जगह पर सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अभी समझाऊंगा सारी बातें, समझाऊंगा, समझो अभी। देखो मास होता है बेटा एक्चुअल कंटेंट, मतलब किसी बॉडी में, किसी बॉडी या फिर किसी भी वस्तु में माल कितना भरा हुआ है ना, माल कितना हुआ है, उस माल के, उस माल की गिनती को, उस माल की गिनती को ही मास कहते हैं। बात आ रही समझ में? और ये जो गिनती है ना, ये हमेशा सेम रहती है हर प्लेनेट पे, ये गिनती जो है किसी बॉडी की सेम रहती है। वो बात अलग है, ऐसे हम तोड़ दें बॉक्स को तो गिनती कुछ अलग हो जाएगी, है ना, बात आ रही समझ में? तो मास क्या है, ये एक्चुअल कंटेंट है, एक्चुअल, एक्चुअल कंटेंट, कंटेंट मतलब माल, वास्तविक माल, किसी भी बॉडी में माल कितना भरा हुआ है, एक माल भरा हुआ है, दो माल भरा हुआ है, तीन माल भरा हुआ है, किसमें, किलोग्राम में, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बेटा मास, ठीक है। एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। बात समझ में आई? मान के चलो देखो, ये पेन ले लो, ये पेन ले लो, ठीक है, इस पेन का भी कोई ना कोई मास होगा, है ना, 5 ग्राम 10 ग्राम, है ना, ऐसा कोई मास होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इस पेन को तोड़ूँ ना, अगर मैं इस पेन को तोड़ूँ तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, इस पेन के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो वो जो टुकड़े हैं ना, वो क्या है, माल है, कंटेंट है, ठीक है। उन्हीं सारे कंटेंट को क्या बोला, मास बोला। जैसे कि ये पेन का शेप है मेरा, ऐसा ही देखो, ऐसा ही तो होता है पेन का शेप, देखो ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे ही समझ लो, ये जैसे मेरा कोई पेन है, ठीक है। इस पेन में कंटेंट कितना है, माल कितना है, ठीक है। तो देखो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बताओ, छोटे छोटे, देखो हर चीज़ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही तो बनती है, बताओ, छोटे 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 टुकड़े, छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर ये बना है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना बेटा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या है, यही तो माल है, यही तो माल है, बताओ। अगर पेन को चूरा चूरा कर दूँ तो वो जो टुकड़े हैं वो बाहर निकल के आएंगे कि नहीं, किसी भी बॉडी में देख लो तुम, ठीक है, किसी भी बॉडी में देख लो, ठीक है। तो ये जो टुकड़े हैं, इन्हीं को क्या कहा हमने, कंटेंट, कंटेंट मतलब माल। और ये एक्चुअल कंटेंट होता है, एक्चुअल मतलब ना चेंज होने वाला, ठीक है। इसके बाद हम एक वेट भी पढ़ेंगे, वेट, वो जब हम फोर्स
का फॉर्मूला सीख लेंगे ना जब हमें पता चल जाएगा। अब ये मास के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। तो एक्चुअल कंटेंट जो बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बेटा मास। बात आगे समझो। और मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है? मेजरमेंट है एक तरह का, क्या है? मेजरमेंट है ना, एक्चुअल कंटेंट का मेजरमेंट, लेकिन आप एक्चुअल कंटेंट कह सकते हो, ठीक है? ये होगी बेटा आपकी मास की डेफिनेशन, ठीक है? समझ गए? इसे कहते हैं मास। और ये जो टुकड़े, देखो ये जो टुकड़े हैं ना इसके, मान के चलो इसमें कितने टुकड़े होंगे, देखो हम इस एक टुकड़े को हम एक ग्राम मानते हैं, मान लेते हैं इसके एक टुकड़े को एक ग्राम मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन ये एक ग्राम से भी कम होंगे छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन मान लेते हैं ना, मानने में क्या जाता है, तो मान के चलो इसमें 100 टुकड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम, यानी कि इसका मास कितना है, 100 किलोग्राम है भाई, यानी कि इसमें कितना कंटेंट प्रेजेंट है, 100 कंटेंट प्रेजेंट है इसमें, 100 किलोग्राम कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है? कोई भी बॉडी मान लो, देखो ये जो पेपर है ना, पेपर, ये जो पेपर है, इस पेपर का भी कोई ना कोई मास है, ठीक है? हर चीज़ का एक मास होता है, ठीक है? तो उस बॉडी में जितने भी, जितना भी कंटेंट प्रेजेंट है ना, उसी कंटेंट की गिनती को ही कह देते हैं मास, ठीक है? और इसे चाहे तुम अर्थ पर रख देना, चाहे चांद पर रख देना, चाहे किसी और प्लेनेट पर रख देना, इसी पेन को या फिर किसी भी बॉडी को, ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट होता है ना, वेट वो अलग होता है, वेट की बातें करेंगे बाद में करेंगे, वो चेंज हो जाता है बेटा, अर्थ पर कुछ होगा और कहीं और कुछ होता है, ठीक है? बात आई समझ में? तो मास क्या है? एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, ठीक है? ये आपकी मास की डेफिनेशन हो गई, ठीक है? चलो, अच्छा मास तो आप समझ गए, अब आते हैं मोमेंटम पे, मोमेंटम की बात और कर लेते हैं। देखो दो बेटा, मान के चलो ये कोई गाड़ी है, ठीक है? मैंने मान लिया ये किस वेलोसिटी से चल रही है, मैंने मान लिया ये वी वेलोसिटी से चल रही है, और इसका मास क्या है, एम मास है इसका, ठीक है? ऐसे मान लेता हूँ, देखो इसका मास कितना है, 10 किलो मान लेते हैं अभी, ऐसे ही मान लेते हैं, इसका मास कितना है, 10 किलो, और वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड की, ठीक है? 100 मीटर पर सेकंड की, ठीक है? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या फिर वेलोसिटी से ये 10 किलोग्राम की जो गाड़ी है ये आगे चल रही है, ठीक है? ये आगे चल रही है, मोशन कर रही है, ठीक है? इस डायरेक्शन में, ओके? और यहाँ पर लगा हुआ है एक दरवाज़ा, ठीक है? यहाँ पर लगा है एक दरवाज़ा, ओके? चलो ठीक है, एक केस मैंने ये ले लिया, एक और ले लेते हैं, ये एक गाड़ी और है बेटा, ठीक है? जिसका मास क्या है, जिसका मास मैं दस किलोग्राम ही मानता हूँ, बट इसकी वेलोसिटी मैं क्या मानूँगा बेटा, वेलोसिटी मान लूँगा, वेलोसिटी मानता हूँ मैं 25 मीटर पर सेकंड की, ठीक है? वही केस है, यहाँ पर दरवाज़ा है, सेम मटेरियल का, वही एज इट इज़, ठीक है? दरवाज़ा। मुझे एक बात बताओ, जब मुझे ये बात बताओ, जब ये गाड़ी चलेगी तो ये गाड़ी इस दरवाजे को तोड़ने में सक्षम होगी, या ये गाड़ी इस दरवाजे को तोड़ने में सक्षम होगी, बताओ ज़रा, बताओ, चलो सोच के बताओ, चलो। अरे बेटा, ये वाली गाड़ी तोड़ने में सक्षम होगी ना, इसे बताओ, ये वाली गाड़ी ही तो इसे तोड़ने में सक्षम होगी, लेकिन ऐसे कैसे? कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसे कैसे, वजन, वो क्या कहते हैं,
मांस तो इसका भी 10 है, मांस का मांस देखो ये भी 10 किलो की, ये भी 10 किलो की है, तो ये तोड़ पा रही, ये क्यों नहीं तोड़ पा रही, ये नहीं तोड़ पाएगी, ये तोड़ देगी क्यों? अरे क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, बात आई समझ में? और इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। यानी कि इसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है बेटा मोशन का असर। मोशन में ताकत कितनी है, मोशन में ताकत कितनी है, ठीक है, अभी समझाऊंगा देखो सारी बातें। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो मान के चलते हैं ये कार इसे नहीं तोड़ पा रही, ये कार इसे नहीं तोड़ पा रही क्योंकि इसका मास जो है क्या है, मास तो ठीक है लेकिन वेलोसिटी इसकी कम है, चलो ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं इसका मास 100 किलो कर दूं, 100 किलो 100 किलोग्राम है ना, तो क्या अब तोड़ देगी ये इसे? बिल्कुल तोड़ देगी क्योंकि अब इसका मास बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया है, ये तो तोड़ ही देगी लेकिन ये इसके इसके फर्राटे उड़ा देगी, इस दरवाजे के चकनाचूर कर देगी और ये ऐसे इसे लिटा देगी, ऐसे करके टूट के ऐसे करके लेट जाएगा और ये चकनाचूर कर देगी, ऐसे छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इस दरवाजे के ऐसे करके, बात आई समझे? तो बेटा एक एग्जांपल मैं आपको अभी और देता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। सीआईडी किस किस ने देखा है? सीआईडी देखते हो? केस सॉल्व करेंगे आज, मान के चलते हैं ये जो दरवाज़ा है ना, हाँ समझ गया तुम, दया की बात तुम्हें याद आ गई, ये सबके मन में दया आया होगा ना, ये दरवाज़ा है, यहाँ पर खड़े हैं फ्रेडी, जानते हो फ्रेडी, चलो अभिजीत ले लेते हैं, अभिजीत, ये है अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, ठीक है, ये है अभिजीत, अभिजीत जी का जो मास है, अभिजीत जी का जो मास है, सॉरी इसे दया ही ले लेते हैं, चलो ये दया है, ठीक है, ये दया है, ये दया है, ठीक है। अच्छा इस दया का जो मास है मान के चलो 10 केजी है, मास कितना है 10 केजी है ना, तो इन्होंने क्या करा, इसमें लात मारी है ना, इसमें लात मारी, तो इन्होंने ये देखा कि भाई जो दया हैं जिनका वज़न 10 किलो है, वैसे बहुत ज़्यादा वज़न होगा उनमें, मान के चल रहे हैं यार अभी, मान के चलो ठीक है 10 किलो का वज़न है दया में, और इन्होंने किस वेलोसिटी से इसे मारा, किस वेलोसिटी से मारा होगा, मान के चलो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मारा होगा, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस दरवाज़े में लात मारी, तो ये दरवाज़ा क्या हो गया, ये दरवाज़ा गया नीचे गिर, क्या गया, ये टूट गया दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा धरती पे ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है, दरवाज़ा नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि दया थे, दया तो भाई दरवाज़ा तोड़ने में माहिर है, तो दया का जो मास था वो 10 किलो है, और किस वेलोसिटी से उन्होंने इसमें लात मारी, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, वहीं पीछे खड़े थे अभिजीत, वहीं पीछे खड़े थे अभिजीत, तो यहाँ पर जो अभिजीत थे, यहाँ पर जो अभिजीत थे, पहले अभिजीत ने कहा था भाई, अभिजीत ने कहा था कि दया एक काम करो, इस दरवाज़े को पहले मुझे तोड़ने दो, ठीक है, तो दया ने कहा कि ठीक है
अब तुम तोड़ो। लेकिन अभिजीत का जो वेट था, अभिजीत का वेट हाफ मान लेते, 5 किलो था। मास कितना था, सॉरी वेट नहीं, सॉरी मास, ठीक है। इनका मास कितना था, इतना, ठीक है, मास इतना था, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, 5 किलो का इनका मास था, और इन्होंने भी इसमें किस वेलोसिटी से लात मारी, वी, मतलब कि वही मान लेते हैं अभी, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही इन्होंने इसमें लात मारी, ठीक है। लेकिन इन पर दरवाज़ा नहीं टूटा, मेरी बात को ध्यान समझना, अभिजीत पर दरवाज़ा नहीं टूटा, लेकिन दया ने तोड़ दिया, है ना, दया ने तोड़ दिया। अच्छा, दया ने तोड़ दिया। अब एक काम करते हैं, देखो पहली बात तो ये समझो, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होता है ना, मोशन के असर को ही मोमेंटम कहते हैं। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होता है वही मोशन ताकतवर होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा, मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, इसका मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू में वेलोसिटी, ठीक है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, पहले हम दया का मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर हम अभिजीत का मोमेंटम निकालेंगे। तो दोनों में से जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसी उसी की वजह से दरवाज़ा टूट जाएगा, ठीक है। तो चलो हम निकालेंगे मोमेंटम किसका, दया का, ठीक है। मोमेंटम क्या है, मोशन का असर, मोशन के असर को ही कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोशन में ताकत कितनी है, ठीक है, मोशन की क्वांटिटी कितनी है। देखो मोशन में ताकत होगी, मोशन का असर ज़्यादा होगा तभी तो बात बनेगी, है ना। मोमेंटम मैं निकालता हूँ, मोमेंटम किसका, दया का, तो पी डी लिख दिया मैंने, ठीक है, मोमेंटम ऑफ दया, ठीक है, पी डी। तो दया का मास कितना है, देखो 10 किलो इंटू में वेलोसिटी कितनी दया की, 20। दया का मोमेंटम कितना आया, 200, ठीक है, 200 आ गया। मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से बेटा दया का जो मोमेंटम था, वो कितना आया, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इन अभिजीत का भी मोमेंटम निकाल लेते हैं, अभिजीत पी ए यानी कि मोमेंटम ऑफ अभिजीत। मास कितना है, 5, वेलोसिटी कितनी है, 20। निकालो तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसका मोमेंटम आया, ये आया अभिजीत का मोमेंटम। अरे अभिजीत का मोमेंटम तो कम आया है, इसका मतलब अभिजीत का मोशन का असर कम है, इसीलिए ये दरवाज़ा नहीं तोड़ पाए, मोमेंटम का मतलब होता है मोशन का असर, होना ज़रूरी है। मोशन, में ताकत कितनी है, लेकिन इनके मोशन में ताकत ज़्यादा थी। ये देखो 200 आया है इनका, 100 आया है, ठीक है, बात आई समझ में। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अभिजीत ने सोचा, भाई मैं दरवाज़ा ऐसे तो नहीं तोड़ पाऊँगा, तो अभिजीत ने क्या कहा, अभिजीत ने सोचा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग कर आता हूँ, तो हो सकता है शायद ये दरवाज़ा टूट जाए, ठीक है, यानी कि अब ये अभिजीत ने क्या किया, अभिजीत आए भाग कर यहाँ से, ऐसे करके अभिजीत जा रहे हैं ऐसे भाग कर, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ अच्छा सा, ठीक है, बता रही समझ। ये दरवाज़ा था, अभिजीत आ रहा है यहाँ से भाग कर ऐसे करके, किस वेलोसिटी से भाग कर आ रहा है, देखो मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता, बताओ बॉडी में से अपनी बॉडी को काट थोड़ी ना लेगा ये, जो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हैं वो अपनी बॉडी में से कंटेंट को हटा थोड़ी ना देंगे। तो इनका मास कितना था, मास तो इनका 5 किलोग्राम ही रहा, क्योंकि ये तो कभी चेंज ही नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना, बताओ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इन्होंने लात मारी, लेकिन अब ये भाग कर आ रहे हैं तो भाग कर उछल के मारेंगे लात, है ना, तो
तो ये किस वेलोसिटी से भागकर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से भागकर आ रहे होंगे ये 50, है ना, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और ऐसे आए और इन्होंने 50 मीटर की वेलोसिटी से ही क्या किया, लात मारी। अच्छा सा डायग्राम बनाऊँ यार, ऐसे करके ऐसे भाई भाग के आए ना कोई नहीं, ऐसे करके इन्होंने लात मार दी इसमें, ठीक है। लेकिन अब इस बार क्या हुआ भैया, दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर गया। हुआ क्या है भाई, पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, अब क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका मोमेंटम बढ़ गया है, दया का मोमेंटम से इनका मोमेंटम दया के मोमेंटम से ज़्यादा हो गया होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। यानी कि इनका मोशन का असर ज़्यादा हो गया होगा, इनके मोशन में ताकत ज़्यादा आ गई होगी। चलो मोमेंटम निकाल लेते हैं, मोमेंटम अब निकाल लेते हैं, अभिजीत का नया मोमेंटम निकाल लेते हैं। मास कितना था, 5 इंटू में वेलोसिटी 50, देखो 5 × 5 = 25, 250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लो भैया मोमेंटम दया के मोमेंटम से ज़्यादा आ गया, और ये ज़ोर से सो भी गिरेगा, ये चकनाचूर कर देगा अभिजीत से। तो बात आई समझ में, याद इन्होंने किया गया था, इन्होंने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया था। वेलोसिटी बढ़ाने से क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ाने से मोमेंटम तेज़ हो गया, मोशन में ताकत आ गई, मोशन का असर ज़्यादा हो गया, जब तब जाके ये टूट पाया। बात आई समझ में, ठीक है। तो बेटा मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मोमेंटम किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब कि मोमेंटम को किस चीज़ से बढ़ा सकते हैं या फिर किस चीज़ से घटा सकते हैं। तो या तो मोमेंटम की वेलोसिटी घटा बढ़ा दो तो मोमेंटम घट बढ़ जाएगा। अगर कोई कमज़ोर बनता है अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, मान के चलो 10 किलो का बनता है, एक 5 किलो का बनता है, ठीक है। तो 10 किलो वाला बंदा जो है काम जल्दी जल्दी कर रहा है ना, जल्दी जल्दी कर रहा है ना, लेकिन 5 किलो वाला बंदा नहीं कर पा रहा है। तो 5 किलो वाला बंदा क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी तो बढ़ा सकता है, वेलोसिटी बढ़ा देगा तो उसके मोशन में ताकत आ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ा सकता है, मास तो घटता बढ़ता है नहीं, बताओ सही बात है कि नहीं, है ना। तो या तो मास बढ़ा दो तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, या फिर वेलोसिटी बढ़ा दो तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, लेकिन मास तो घटता बढ़ता है नहीं, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सीधी बात यह है, मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के और वेलोसिटी के, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, मास और वेलोसिटी के, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं अब इसके बारे में, ठीक है, लिख लेते हैं। देखो बेटा, देख लो सारी चीज़ें, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज, ये डिफाइन किया जाता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को। मतलब कहने का मतलब, देखो अगर कोई बॉडी है तो बॉडी का मास इनटू में बॉडी की वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी भी बॉडी की मास और वेलोसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे देखो ना, P = mv, तो मोमेंटम क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन किस किस का है, बॉडी का, बॉडी के वेलोसिटी का और बॉडी के मास का, ठीक है। तो जनरली एग्ज़ाम में अगर मोमेंटम की डेफिनेशन पूछे तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि यही ज़्यादा फेमस डेफिनेशन होती है, ठीक है, कि ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास का और वेलोसिटी का, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। बात आई समझ में, अच्छा जो चीज़ मैंने बताई है, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने क्या बताया, मोशन के असर को किसी भी बॉडी के
मोशन का असर क्या कहलाता है, मोमेंटम ही कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि किसी भी बॉडी के मोशन की क्वांटिटी ही क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिखो। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़ा फील आ जाए इसलिए थोड़ा बता दिया। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं मोमेंटम, मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं, बड़े वाले पी से। ठीक है, तो पी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला है। ठीक है, मेन फॉर्मूला। ठीक है, मेन फॉर्मूला। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू एम वी। एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, होती है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैसे आई, देखो मास और वी है ना, तो मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, इसीलिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा और ये क्या है, मोमेंटम है क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, दोनों ही जो मोमेंटम होता है ये मास के बढ़ने पे बढ़ सकता है और वेलोसिटी के बढ़ने पर भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे करके पी इज एम एम और वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं इसको, इक्वल टू के बराबर बराबर में आ जाए, कई बार बात आपको मैंने बताई। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ठीक है, चलिए बाकी की बातें करेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू बेटा।